जो लोग मोदी के खिलाफ चलाते हैं एजेंडा, आंख और कान खोलकर देखने वो विरोधी। एक बार फिर मोदी ने कर दिया साबित, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उनकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों की कमी नहीं है। इसी देश में राणा अयूब जैसे पत्रकार हैं जो वाशिंगटन पोस्ट में लेख लिखकर मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। तो वहीं इसी देश में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे रहते हैं। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, इन विरोधियों की फिक्र नहीं करते, उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं। तभी तो एजेंडाबाज उन्हें कितना ही मुस्लिम विरोधी क्यों ना बताएं, भरे मंच पर मोदी पसमांदा मुस्लिमों की भलाई की बात भी करते हैं। तो वहीं कश्मीर के रहने वाले गुलाम नबी डार जैसे कलाकार को सम्मान भी देते हैं। इसी गणतंत्र दिवस पर मोदी सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाज कर ये बात साबित कर दी है। एक वक्त था जब पद्म सम्मान किसी नेता या सरकार की सिफारिशों पर मिलते थे, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में आई तो इस रवायत को ही बदल डाला और अब पद्म सम्मान से मिलता है जो उसका सही हकदार होता है, यानी जिसे लगता है वो इस सम्मान के योग्य है वो खुद ही पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन दे सकता है। आपने देखा होगा कि सरकार में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड, हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। कोई नेता रेकमेंड कर दें, सरकार रेकमेंड करे, मतलब कि वो भी पॉलिटिशियन होता है, वो रेकमेंड कर दें, और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के डॉक्टर होते हैं वही पद्म के लिए लायक होते हैं। हमने एक छोटा सा रिफॉर्म किया, हमने रिकमेंडेशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति खुद के लिए किसी के लिए डिटेल भेज सकता है। मोदी सरकार ने पद्म सम्मान देने के तरीकों में जो बड़ा बदलाव किया उसका असर अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली से दूर कश्मीर के किसी कोने में बैठे गुलाम नबी डार को भी उनकी मेहनत का फल मिल रहा है और पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसी साल जब गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पद्म सम्मान का ऐलान हुआ तो उनमें एक नाम कश्मीर के गुलाम नबी डार का भी था, जिन्हें मोदी सरकार ने लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी करने के लिए यह सम्मान दिया है। श्रीनगर के सेकी दापर इलाके में रहने वाले 72 साल के गुलाम नबी डार बचपन से इस कला से जुड़े हुए हैं और अब तो वो इसमें इतने पारंगत हो गए हैं कि उन्हें मास्टर गुलाम नबी डार कहा जाता है। उनकी वर्षों की मेहनत को जब मोदी सरकार ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा तो उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि इस सम्मान के लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस कला को सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस क्राफ्ट के पीछे सीखने के लिए। जितना मतलब मेहनत मैंने किया है, जितनी मुसीबत मैंने उठाई है कि कल मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फल दे दिया है कि मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिल गया है, क्योंकि इस फन को सीखने के लिए मैं बहुत कोशिश की है। इसका वजह यही है, कोई उस्ताद मेरा ऐसा नहीं मिला जो मैं इसको सिखाएंगे, इस काम को सिखाएंगे। वो काम जो आज आम देखते हैं आप, वो तो उस्ताद बहुत है उसमें, मगर जो काम मैं इस वक्त अल्लाह ताला ने करवाया उसके लिए कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए मुझे परेशानी उठानी पड़ी। लकड़ी पर बारीक नक्काशी करना कोई आसान काम नहीं है,
इस कला को सीखने के लिए गुलाम नबी डार ने पूरा जीवन झोंक दिया। जब वो 10 साल के थे तो उनके पिता के कारोबार में भारी घाटा हुआ था, जिससे परिवार के हालात बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से अपना नाम कटवाना पड़ा। गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सके, गुलाम नबी डार को उनके मामा अपने घर ले गए और उन्हें लकड़ी पर नक्काशी की कला सिखाने लगे। गुलाम नबी डार 5 साल तक ये काम सीखते रहे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तय कर लिया था कि जिंदगी का गुजारा तो इसी कला के दम पर करना है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब कई कारीगरों के पास गए वो, लेकिन उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि काम ही नहीं सीख पाएंगे। मगर गुलाम नबी डार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्हें एक गुरु मिले, टीकू, जिनके दाई ने हाथ में लकवा मार गया था। लेकिन इसके बावजूद गुलाम नबी डार की कहानी सुनकर उन्हें सिखाने का उन्होंने फैसला किया और कागज पर बनी डिजाइन के जरिए उन्हें लकड़ी पर नक्काशी की कला सिखाई। तब जाकर गुलाम नबी डार ने नक्काशी की कला सीखी। गुलाम नबी चाहते हैं कि ये कला सीखने में जितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, उतना और किसी को ना करना पड़े। इसीलिए वो खुद युवाओं को ये कला सिखाना चाहते हैं। क्योंकि पद्मश्री आपको मिला है, इस अनाउंसमेंट के बाद या इस एजाज के बाद क्या हम उम्मीद करेंगे जो नई पोद है वो इस आर्ट की तरफ रागिब होगी और आने वाले वक्त के लिए इसको आगे जिंदा रखेंगे? बिल्कुल, अगर वो शौक पैदा करेंगे और मेरी तरफ भी देखेंगे, मेरा जो ये मैं जो अर्ज करता हूँ ये वो सुनेंगे, तो वो भी मतलब अपना पेट भी चला सकते थे और सीख भी जाएंगे। एक ना एक दिन उसका भी रंग लाएगा, उसका सीखना जो होगा। मगर पहले तो शौक करना पड़ेगा, फिर सब्र होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है तो वो कल काम सीखने के लिए लगेंगे तो दूसरे हफ्ते में वो सीख जाएगा, उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। सरकारी कलाओं को संरक्षित करने के लिए सरकारी मान्यता और समर्थन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए इसके मास्टर कलाकार गुलाम नबी डार को देश के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। इसी के साथ गुलाम नबी डार को मिला सम्मान उन मोदी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा भी है, जो दिन रात अपनी पूरी ताकत इसी में खपाते रहते हैं कि कैसे मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित किया जा सके। ऐसे लोगों को जिस तरीके से पीएम मोदी अपने काम से जवाब दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पसमानदा मुसलमानों के लिए पीएम मोदी क्या कुछ सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन है जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, बिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने
उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने के में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए, जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी।